बीएचयू के सरसुंदर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर्स की पिटाई के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 बीएचयू के मौजूदा छात्र हैं, जबकि 1 पूर्व छात्र भी बताया जा रहा है। बता दें कि पिटाई का आरोप लगाकर सरसुंदर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हड़ताल का रेजिडेंट डॉक्टर्स की चौथा दिन है। लगातार 4 दिनों से हड़ताल चल रही है। मुख्य मांग यही कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और यहां पर पुलिस की ओर से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक हड़ताल खत्म नहीं की गई है। यहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है पुलिस की ओर से, उनमें से 2 बीएचयू के मौजूदा छात्र कहे जा रहे हैं, जबकि 1 पूर्व छात्र बताया जा रहा है। मांग मुख्य यही अब बताई जा रही है इन डॉक्टर्स की ओर से जो कि हड़ताल पर हैं, कि सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए, चूंकि आए दिन इस तरह से मारपीट डॉक्टर्स के साथ की जाती है, और यही वजह कि अब नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई इन डॉक्टर्स की कि हड़ताल खत्म करने को डॉक्टर्स फिलहाल तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कैंडल मार्च भी डॉक्टर्स की ओर से निकाला गया, हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर अपनी मांग, अपनी आवाज इन डॉक्टर्स की ओर से उठाई जा रही है। आज लगातार चौथा दिन है डॉक्टर्स की हड़ताल का, और खामियाजा सीधे तौर पर मरीजों को उठाना पड़ रहा है, चूंकि बीएचयू में ना सिर्फ इस अस्पताल में ना सिर्फ आसपास के बल्कि जो बाकी पड़ोसी राज्य हैं वहां से भी मरीज पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, और ऐसे में वापस खाली हाथ बिना इलाज के मरीजों को लौटना पड़ रहा है। मरीजों के सामने भारी परेशानी। गिरफ्तारी 3 की गई है, हिरासत में 3 युवकों को लिया गया है, पूछताछ उनसे की जा रही है पुलिस की ओर से। जिन लोगों पर आरोप लगा मारपीट का, उन सभी की गिरफ्तारी की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। और हमारे साथ लोमस झा जुड़ गए हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लोमस, क्या कोई बातचीत अभी तक हुई है इन डॉक्टर्स की, जो जिला प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन है, क्या कहना है उनका? और 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है, अब क्या मांग है डॉक्टर्स की? बिल्कुल, मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं अभी, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये वही 3 लोग हैं जिनके सीसीटीवी फुटेज हम लोग चला रहे थे, जी यूपीयूके के पास एक्सक्लूसिव जो सीसीटीवी फुटेज थी, ये वही 3 युवक है जो अपनी बाइक से हॉस्पिटल में घुसे, और बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 लोगों ने उस डॉक्टर की पिटाई की, जिस डॉक्टर के बाद पिटाई करने के बाद ये जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं। हम बात करेंगे इन्हीं से, क्या आप लोगों की बात जिला प्रशासन से बात हुई या फिर पुलिस के आला अधिकारी से बात हुई, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आज चौथा दिन है और 72 घंटे भी पूरे होने में कुछ घंटे बस बाकी है। देखिए, ऐसा है कि टोटल 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी की जा चुकी है और 2 लोग फरार हैं। जो 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, इसके लिए हम हमारे पुलिस प्रशासन के लिए हम थैंकफुल हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है कि ये जो वारदातें हैं उनको होने से रोकना है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं कि असामाजिक तत्व सिर्फ 5 लोग थे, असामाजिक तत्व तो पनपते जा रहे हैं, अगर ये वारदातें होने से ही रुक जाती हैं तो हमें ये कुछ आगे का कदम नहीं उठाना पड़ेगा। और ये वारदात होना कब बंद होगा, जब हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा इतनी मजबूत हो जाए कि आगे की कोई ऐसा असामाजिक तत्व प्रयास ही नहीं कर पाते कि हमारी सुरक्षा को भंग कर सके और कुछ ऐसा हो सके कि जिसकी वजह से हमें फिर से यहाँ पर आना पड़े, फिर से हमारी जितने भी ये अस्पताल को बंद कराना पड़े, ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाना पड़े, तो हम यही चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया, हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी भी बताया जा रहा है कि 2 जो साथी थे उनके फरार हैं और 5 लोगों ने मिलकर कुल उस डॉक्टर की पिटाई की थी, जो पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि 72 घंटे पूरे होने वाले हैं, अब से कुछ ही घंटों के बाद 72 घंटे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि सुस्त रवैया है, या हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से कह लें या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कह लें, क्या आश्वासन मिल रहा है अभी? आश्वासन, बस आश्वासन ही मिलता है, यहाँ पे कोई ठोस कदम उठाए नहीं जाते, क्योंकि ऐसी नहीं तो ऐसी चौथी घटना है ये साल की, ऐसी घटना घटित ही नहीं होती। हर एक बार स्ट्राइक होती है या फिर हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए। पुलिस ने पहले ही प्रशासन को बोला था कि ये जगह है जहाँ पे की पॉइंट्स है, जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा लगने चाहिए, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं लगा। ऐसे ही हमेशा हम लोग को आश्वासन दिया जाता है और सिक्योरिटी के लिए कोई कदम उठाए ही नहीं जाते हैं। अभी भी प्रॉक्टर में इतने ही गार्ड हैं, की पॉइंट्स पे कैमरा नहीं लगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित की जाए और
ताकि ऐसी वारदात ही ना घटे। हम लोग को भी बहुत मन होता है कि हम लोग जाएं, मरीजों की सेवा करें, हम लोग इसी काम के लिए। लगातार जिस तरीके से हड़ताल का चौथा दिन है, मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो मरीज जो बाहर से यहाँ पे बीएचयू में पहुंच रहे हैं, हमारे साथ कुछ और डॉक्टर हैं बात करने के लिए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि चौथा दिन है, लगातार मरीजों की समस्या बढ़ती जा रही है। और क्या आला अधिकारी क्या कह रहे हैं आप, क्या जो हॉस्पिटल प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो या फिर दूसरे जो जिला प्रशासन, उसके तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? आश्वासन तो देखिए हर बार दिया जाता है कि हम ये कर देंगे ये कर देंगे, बट कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हमेशा से ऐसा रहा है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि हम ये यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर देंगे ये कर देंगे, बट अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चाहते हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी प्रॉपर बने, कोई भी अगर पेशेंट का अटेंडेंट या उसके साथ जो अराजक तत्व है आकर के किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करें तो उसके लिए। हर बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जाते हैं, तीन दिन चार दिन वेट किया जाता है कि मॉब का या हमारा जो है उत्साह थोड़ा ठंडा हो जाए, एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया जाए, हमने गिरफ्तार कर लिया, हमने आपको फोटो रिकॉग्नाइज करके पहले ही दे दिया था, तीन चार दिन बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसके बाद ये एक शॉर्ट टर्म मेजर हो गया कि आपने ये अभी का कर दिया। लेकिन इन फ्यूचर या नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक ऐसा नहीं होगा, उसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। कोई ऑफिसियल हमसे आके बात नहीं कर रहा है, कोई ऐसा सिक्योरिटी मेजर्स नहीं बताया गया कि हम सीसीटीवी लगा रहे हैं, यहाँ लोगों की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नाइट में 10-10, 15-15 लोग आते हैं, नाइट ड्यूटी मान लीजिए एक डॉक्टर है दो डॉक्टर है, यूजुअली ये सब इंसिडेंट नाइट में होते हैं। अब कोई कोई रात में गार्ड नहीं रहता, कोई भी आके मार के चला जाएगा, आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल समस्या जस के तस बनी हुई है, कोई भी समाधान अभी तक निकाला नहीं गया, और चौथा दिन है, सबसे ज्यादा मरीजों को परेशानी हो रही है, डॉक्टर तो परेशान है ही, लेकिन जो मरीज आ रहे हैं बीएचयू में अपना इलाज करवाने के लिए, सबसे ज्यादा वो सफर हो रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर खामियाजा जो है वो मरीजों को उठाना पड़ रहा है। आपका शुक्रिया लूमस जुड़ने के लिए और इन डॉक्टर से भी बातचीत करने के लिए।